नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे इलाज बताऊंगा जिसकी सहायता से आपकी बवासीर की जो समस्या है वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो नुस्खा है वो आजमाया हुआ है, इससे बहुत से लोगों का सफल इलाज हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बवासीर से बहुत ही आसानी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल घंटे को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो दोस्तों केला और दूसरा चीज़ है दोस्तों कत्था। दोस्तों ये केला बाज़ार से उपलब्ध हो जाएगा और दोस्तों ये जो कत्था है ये पान की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि हम लेते हैं एक केले। दोस्तों एक केला लेने के बाद से आप क्या करेंगे कि आपको जो ये आगे वाला पार्ट दिख रहा है इसके छिलक को बहुत ही आसानी से आपको उतार लेना है। दोस्तों आप इसके छिलक को ऐसे ही उतार लें। दोस्तों ध्यान रहे आपको छिलक बहुत ही आसानी से उतार कर और इसी में लगे रहने देने हैं क्योंकि इसका अभी ज़रूरत पड़ने वाला। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से इसको बहुत ही अच्छी तरह से आधा यानी कि बीच में से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और पूरा नहीं काटना है दोस्तों, ऐसे काटना है कि ये केला बहुत ही आसानी से खुल सके। दोस्तों ऐसे ही आपको केले को बस खोलना है। दोस्तों ये हमारा केला खुल गया है। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये जो कत्था दिख रहा है आपको इसी कत्थे को इसमें लगाने हैं। दोस्तों इस कत्थे को इसके अंदर लगाने हैं। दोस्तों ध्यान रहे ये केला हमारा दो पार्ट में हो चुका है और हमें एक पार्ट पर ही इस कत्थे को लगाने हैं। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है, इससे बहुत से लोगों को लाभ मिल चुका है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से कत्था लगाने के बाद से हमें करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे ही पैकअप कर देंगे। दोस्तों ऐसे दबा के और इसको ऐसे पैक कर देंगे। दोस्तों जब आप इसे पैक कर देंगे उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने घर के ऊपर यानी कि छत के ऊपर ले जाके इसको ऐसे ही रख देना है। दोस्तों आपको इसे इस्तेमाल करना है सुबह में और इस रेमेडी को तैयार करना है शाम को यानी कि रात को सोते टाइम। जब आप रात को सोने जाएं तो इस केले को कत्था लगाने के बाद से ऐसे ही अपने छत के ऊपर रख दें। ऊपर रखने के फायदे ये है कि जो इन्वायरमेंट का हवा है रात का वो इस पर लग सके और जो ओस गिरता है वो इस पर गिर सके। दोस्तों आपको इसको कुछ छनने की सहायता से ढकना है जिससे कि कोई कीटाणु इस पर ना जा सके। दोस्तों इसके बाद से आपको करना क्या होगा कि आप सुबह जब उठें उसके बाद से आप फ्रेश होने के बाद से इस केले को खा जाए। दोस्तों आप इसके छिलक उतार लें और छिलक उतारने के बाद से इस केले को खा जाएं। जब आप इस केले को खाएंगे उसके दो घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाने हैं। दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है, जब आप इस केले को खा जाएँ तो उसके दो घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाने हैं। दोस्तों अगर आप इस रेमेडी को मात्र 3 दिन तक आजमाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से बवासीर में राहत मिलेगा, यहाँ तक कि ख़त्म भी हो जाएगा, चाहे वो खूनी बवासीर हो या चाहे वो बादी बवासीर हो। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बिल्कुल आजमाया हुआ रेमेडी है। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।